अगर रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम उसे
मल्टीप्लीकेशन करेंगे 180 डिवाइडेड बाय पाई. सो माइनस 1 बाय 4 180 डिवाइडेड बाय पाई अब ए कन्वर्ट हो गए हैं इनटू डिग्री में. लास्ट आंसर क्या आएगा माइनस 1 देयर विल बी 4 इज अ 4 4 4 इज अ 16. ठीक है देन टू रिमेनिंग फाइव दैट इज 45 पाई डिवाइडेड बाय पाई इनटू डिग्री. दिस इज योर फाइनल आंसर. ये कन्वर्जन हो गया है इनटू डिग्री में. सो स्टूडेंट जितने मैंने एग्जांपल सॉल्व करके दिए उस टाइप के हाउ टू कन्वर्ट डिग्री मेजर इनटू रेडियन एंड रेडियन मेजर इनटू डिग्री. अब रिमेनिंग एग्जांपल आप सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करेंगे दैट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है सी हियर एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल एक्सप्रेस द फॉलोइंग एंगल plus 19 this minute plus abhi
सब्सटीट्यूशन करेंगे और कितना आएगा 16 × 8 दैट इज 4.8 आएगा 48 इसका आंसर है 48 अब ये हो गया इनटू सेकंड सो वी कैन राइट लास्ट आंसर दैट इज कन्वर्जन ऑफ गिवन एंगल इनटू डिग्री मिनट एंड सेकंड विल बी एज फॉलोज 245 डिग्री 19 मिनट एंड 48 सेकंड दिस इज योर फाइनल आंसर सो स्टूडेंट हमें इस एग्जांपल में क्या लिखा है जो एंगल दिया था उसे सबसे पहले हमें स्प्लिट करके लिखना है डिग्री में अब ये जो डिग्री एज इट इज रहेगा फर्स्ट वाला इसे हमने मिनट में कन्वर्ट किया है मिनट में कन्वर्ट करने के लिए वी हैव मल्टीप्लाइड बाय 60 ठीक है देन अब 60 ने क्यों मल्टीप्लाई किया क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ 1 मिनट इट इज अ 1 डिवाइडेड बाय 60th पार्ट ऑफ 1 डिग्री देयरफॉर टू कन्वर्ट दिस डिग्री टू मिनट वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 60 देन नेक्स्ट है दिस सॉल्व करने के बाद आया 19.8 मिनट अब 19.8 मिनट को अगेन हमने स्प्लिट किया दैट इज 19 मिनट प्लस 0.8 मिनट देन अब ए एज इट इज हो गया क्योंकि एग्जाम्पल में हमें डिग्री मिनट एंड सेकंड में लिखना है सो ए वाला जो था 0.8 इंटू उसे अगेन मल्टीप्लीकेशन किया 60 ने बिकॉज सेकंड इज द 1 डिवाइडेड बाय 60th पार्ट ऑफ 1 मिनट देयरफॉर दिस इज 0.8 इंटू 60 सेकंड में कन्वर्जन हो गया क्योंकि बाय मल्टीप्लाइड बाय 60 देन बाय सॉल्विंग दिस इट विल बी 48 सेकंड फाइनली हमें आंसर लिखा है दिस इज 245 डिग्री 19 मिनट 48 सेकंड दिस इज कन्वर्जन ऑफ गिवन एंगल सो स्टूडेंट आज के क्लास में हमने 3 एग्जांपल देखे हैं बाकी के जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे थैंक यू वेरी मच